क्या हुआ जब केदारनाथ यात्रा के दौरान खतरनाक बस एक्सीडेंट से अपने भक्त की जान बचाने दौड़े चले आए स्वयं देवों के देव महादेव, और फिर जो हुआ उसे देख सभी लोग कांपने लगे। दोस्तों, आज हम आपको केदारनाथ यात्रा के दौरान हुए महादेव शिव के चमत्कार की एक ऐसी वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपकी भी भक्ति महादेव के प्रति कई गुना बढ़ जाएगी। दरअसल दोस्तों, ये सच्ची घटना है बिहार के रहने वाले राहुल जी की, जिन्होंने भोलेनाथ के चमत्कार की ये सच्ची घटना हमारे साथ शेयर करी है। राहुल जी ने हमें बताया कि कैसे महादेव जी ने केदारनाथ यात्रा के दौरान खतरनाक बस एक्सीडेंट से उनकी जान बचाई। दोस्तों, बात सन 2001 की है, जब राहुल अपने मोहल्ले के कुछ दोस्तों के साथ केदारनाथ जाने का विचार बना रहे थे। उनका ग्रुप तकरीबन 11 लोगों का था और एक साथ सभी लोग ने केदारनाथ जाने की योजना बना ली। राहुल ने अगले ही दिन एक छोटी बस बुक कर ली। उसमें 12 से 15 लोग बड़ी आसानी से यात्रा कर सकते थे। राहुल जी उस बस में अपने दोस्तों के साथ केदारनाथ धाम यात्रा के लिए निकल जाते हैं। राहुल के घर से केदारनाथ धाम का सफर लगभग 3 दिन का होने वाला था। जैसे तैसे करके बस 1 दिन का सफर तय कर लेती है और अब यात्रा 2 दिन की शेष बच जाती है। अब राहुल रात के समय में यात्रा करने का निश्चय कर लेता है और तकरीबन शाम के 6 बजे यात्रा पर निकल जाते हैं। अब दोस्तों, रात के समय में उनके साथ एक ऐसी अनहोनी होती है जिसके बारे में राहुल जी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। यदि आप सुनेंगे तो आप भी जरूर हैरान होंगे। जब वो सफर के लिए आगे बढ़ी तो रात के करीब 11 बजे उनकी बस एक जंगल के रास्ते से गुजर रही थी और दूर दूर तक उस जंगल में कोई भी नहीं था। बस के ड्राइवर ने पहले ही सबको बता दिया था कि बस के दरवाजे और खिड़कियां बंद करके महादेव का नाम जपते रहें। दोस्तों, बस पहाड़ियों पर चल रही थी और तभी अचानक सामने से एक कार आ जाती है। पहाड़ी पर घुमावदार रास्ता होने की वजह से ड्राइवर को वो कार अचानक से सामने दिखाई देती है। कार को देख ड्राइवर ने तुरंत जोर से ब्रेक मारा। बारिश की वजह से बस फिसल कर खाई की तरफ चली गई। बस की स्पीड ज्यादा नहीं होने की वजह से बस पलटी नहीं, पर वो खाई की तरफ नीचे चली जाती है। बस में बैठे सभी लोग रोने लगे और चीखने लगे, महादेव से अपने प्राणों की गुहार लगाने लगे। राहुल ने महादेव भगवान शिव से प्रार्थना करी, हे महादेव, आप ही हमें बचा सकते हैं, हम तो आपके दर्शन के लिए आए थे। सुना है जब भक्त अपने मन से आपके धाम आता है तो आप स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। भोलेनाथ, अगर आप में शक्ति है तो कृपया हमारी रक्षा करना। इतना कहकर राहुल जोर जोर से हर हर महादेव के जयकारे लगाने लगा। तब तक बस नीचे बह रही नदी में पहुंच जाती है। बारिश का मौसम था तो इसीलिए नदी में पानी काफी ज्यादा भरा हुआ था। लेकिन दोस्तों, अचानक से बस नदी में एक जगह रुक जाती है। रुकी हुई बस को देखकर सभी लोग धीरे धीरे बस के बाहर निकलने लगते हैं। सभी लोग बस से बाहर निकलने के बाद एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि आखिर बस बीच नदी में कैसे रुक गई। तो ड्राइवर देखता है कि बस के नीचे नदी में एक बड़ा सा पत्थर था जिस पर बस रुकी हुई थी। ये दृश्य देखकर सभी लोग हैरान हो गए कि अचानक से इतना बड़ा पत्थर नदी में इस बस के नीचे कैसे आ गया। राहुल बोला कि ये सब महादेव भगवान शिव का चमत्कार है, उन्होंने ही हमें बचाया है। बड़ी बात तो ये थी कि उनमें से किसी को भी कोई खरोच तक नहीं आई। दोस्तों, इसके बाद सभी लोग महादेव का नाम का जयकारा लगाते हुए केदारनाथ धाम को निकल गए और महादेव को उनके सभी भक्तों ने दंडवत प्रणाम किया। तो दोस्तों, यदि आप भी महादेव शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिए। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें।
आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव।